हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वीडियो। तो आज ये कमेंट मुझे लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे पता है मुझे सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कमेंट मैंने बहुत दिन से पेंडिंग रख रखा है। इनको बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ कि रुको बताते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा ना कि क्यू एन ए वीडियो लेकर आऊंगी तो उसमें बड़े अच्छे से समझाऊंगी, बट क्यू एन ए वीडियो ना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कमेंट लेना, स्क्रीन पे दिखाना, एडिटिंग बहुत ज्यादा उसकी टिपिकल हो जाती है, तो मैंने उसको भी पेंडिंग कर रखा है। उसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि क्यू एन ए क्यों नहीं लाया, आपने बोला था। मैं लाऊंगी, संडे को मैं भी बनाऊंगा कि संडे फ्री होता है। बाकी मंडे टू सैटरडे ना ऐसे टेक्निकल काम के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और मेरी एक क्लास भी रहती है इवनिंग में जो कि मुझे रिकॉर्डेड लेना होता है। लाइव तो ले नहीं पाती क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसे मैं रिकॉर्डेड लेती हूँ। तो इसलिए क्यू एन ए के लिए आप लोग रुक जाइए। बाकी शेखर जी, आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या है फर्स्ट बेंच की स्टोरी। देखो अगेन मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि देखो मैं कितने बजे कोचिंग में पहुंचती हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बेंच की स्टोरी। कि मतलब शिखर जी पूछते हैं कि फर्स्ट बेंचर्स की जो सीट होती है क्या वो फिक्स होती है या फिर जो पहले आता है वही बैठता है। तो देखो जी, फिक्स कुछ नहीं होती है किसी की कोई सीट। जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, जो पहले आता है उसको सीट पहले मिलती है। अब आपने स्क्रीन पे देखा होगा या देख लीजिए स्क्रीन पे कि मैं कितने बजे पहुंचती हूँ, तब जाके कोचिंग में मुझे सीट मिलती है आगे की। उसमें भी स्ट्रगल होता है कि मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा स्क्रीन पे, मैं 2 घंटे पहले, मेरी क्लास फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे और मैं कोचिंग में पहुंचती हूँ 8 बजे। इवन ये तो मेरे को अचानक से घड़ी दिखी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसकी वीडियो बना लेते हैं और फिर मैं स्क्रीन में आप लोगों को दिखा पाऊंगी कि मैं कितने बजे पहुंचती हूँ। मुझे घड़ी बाद में दिखी, मैं पहुंच और भी पहले गई थी कोचिंग में। तो आप लोग देख सकते हो कितना स्ट्रगल रहता है आगे बैठने के पीछे कि आप 2 घंटे या 2 घंटे से पहले आओ कोचिंग में और फिर उसके बाद जाके आपको फर्स्ट बेंच में यानी फर्स्ट रो में कोई सी भी सीट मिल जाती है जो आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद भी क्लास ऊपर नीचे होती है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो जैसे ही सर की क्लास खत्म, फर्स्ट क्लास खत्म होती है हमारी नीरज सर की, वैसे ही बच्चे इतनी तेज भगदड़ मचा के नीचे जाते हैं आगे बैठे। फिर उसके पीछे भी स्ट्रगल होती है कि सीधा जाओ, फिर जो जल्दी जाएगा, जो जिसको जो सीट मिल रही वो ऐसे बैठे। तो कुछ इस तरह इसकी स्टोरी है कोचिंग में आगे बैठने की। और बाकी मेरा टाइम वाइम वेस्ट नहीं होता है, मैं 2 घंटे पहले जाती हूँ तो आराम से चीज़ें पढ़ लेती हूँ वहीं बैठ के। आराम, बाहर चेयर रखी होती है, मुझे रिवाइज करना होता है या कुछ मुझे जो पढ़ना होता है मैं आराम से बैठ के रिवाइज कर लेती हूँ या पढ़ लेती हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। कभी आप लोग ये सोचोगे क्या ही फ़ायदा हो गया, आप 2 घंटे तो अपने वहाँ वेस्ट कर ही रहे हो, तो पर वेस्ट होता नहीं है क्योंकि उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, और भी बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं मैं ही हूँ, और भी बच्चे होते हैं जो ऐसे ही आते हैं 2-2 घंटे पहले या और जैसे भी जिसका जो रूटीन होता है, बट आते हैं सब पहले। फर्स्ट रो में बैठने के लिए ना बहुत स्ट्रगल है राहुल साइज में, सीरियसली। और जो है वो कोचिंग के वो समझ सकते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहले कोचिंग कर चुके हैं तो इस चीज से वो बिल्कुल एग्री करते हैं क्योंकि ये हमेशा से ही रहा है। जैसा कि सर बताते हैं, राहुल सर बताते हैं कि ये हमेशा से ही रहा है। ये राहुल साइज में ही नहीं, जहां भी बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, हर कोचिंग में यही हाल है कि आपको जल्दी आना पड़ता है अगर टीचर के सामने बैठ के पढ़ना है आपको। तो देखो, टीचर के सामने बैठ के पढ़ने से अब क्या फायदा होता है? अब कुछ लोग कहेंगे, सोचेंगे कि पढ़ाई तो वही मिलनी है, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो। नो डाउट, एग्री करती हूँ, ये बात सही है, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो आपको मिलना तो वही है। लेकिन अब ये पर्सनल चॉइस होती है लोगों की कि वो कंफर्टेबल कहाँ है। कुछ लोग पीछे बैठ के पढ़ते हैं तो वो उनकी कंफर्टेबल प्लेस है, कुछ लोग हम जैसे हैं जो आगे बैठते हैं। अब मैं तो पर्सनली, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूंगी कि मुझे क्यों आगे बैठना होता है, क्योंकि ना मैं कभी से लाइफ में फर्स्ट बेंचर नहीं रही हूँ। स्कूल में ऑलवेज पीछे बैठा करती थी बातें करने के लिए, तो मुझे पता है स्कूल में मैंने क्या हासिल किया, कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ बातों के अलावा, मस्ती के अलावा। तो मुझे पता है पीछे बैठने से ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई अपने ऊपर मत लेना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, पीछे बैठने वाले नहीं पढ़ते। पढ़ते आपके ऊपर है, आप चीजों को कैसे चीजों में एंगेज होते हो। मेरा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप आगे बैठते हो ना
तो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर नहीं हो सकते, आप बाउंड हो जाते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। पीछे बैठते हो तो एक बार को हो जाता है कि यार टीचर हमें देख नहीं रहे, इधर उधर माइंड हम कर लेते हैं, फोन उठा लिया, फोन चला लिया या कुछ गॉसिप कर ली, वो हो जाता है पीछे बैठने पे। क्योंकि मेरा पीछे बैठने का एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में, इस वजह से बता रही हूँ। तो आगे बैठने से क्या होता है, आप किसी भी कीमत पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते किन्हीं चीजों से। क्यों? क्योंकि पता होता है सामने टीचर है, अगर उन्होंने देख लिया और नजर पड़ी जाएगी, अगर उन्होंने देख लिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। अपने आप में भी टीचर टोक दे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता, टीचर के लिए भी नहीं अच्छा होता कि एटलीस्ट आप आगे बैठे हो और फिर भी इतना डिस्ट्रैक्टेड हो ना। आगे बैठने से ना मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी और जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल रहती है। बहुत स्टेबली आप बैठते हो और ना जो एक होता है ना कि आप लॉन्ग लास्टिंग माइंड को पढ़ाई में एंगेज करते हो, ऐसा मुझे लगता है वो सिर्फ फर्स्ट बेंच पर बैठने से ही आता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पीछे बैठने वाले इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। अगर आप एंगेज कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए वो भी बेस्ट ऑप्शन रहता है। बाकी बस पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई दी। शेखर जी, आई होप आपको सुन के मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा।